गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी एजु हब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चने का फली छेदक जो कीट होता है उसके जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। चने का फली छेदक कीट के जीवन चक्र में चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। चार अवस्थाएं, फर्स्ट जो है व्यस्क होता है, सेकंड अंडा, थर्ड लार्वा, फोर्थ कॉस। हमने पहले एक वीडियो के अंदर पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस, इनकी कायांतरण। कायांतरण दो प्रकार का पढ़ा, पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण वो था ऐसा कीट जिसके जीवन चक्र में चार अवस्थाएं पाई जाती हैं, वो पूर्ण कायांतरण, और अपूर्ण कायांतरण जिसके अंदर तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि चने का फली छेदक जो कीट है उसमें कौन किस प्रकार का कायांतरण पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा यहां से पूर्ण कायांतरण। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, जीवन चक्र के बारे में। तो इसका व्यस्क जो होता है वो व्यस्क नवंबर माह में दिखाई देता है। चने की फसल के ऊपर ये नवंबर माह में दिखाई देता है। इसके बाद नर और मादा जो है वो मैथुन की क्रिया करते हैं। मैथुन की क्रिया करके फसल जो होती है उसकी कोमल भागों पर अंडे देते हैं। कोमल जो भाग होती है उनके ऊपर अंडे दिए जाते हैं। अंडे समूह में ना देकर, समूह में ना देकर अलग अलग जगह, अलग अलग जगह दिए जाते हैं। इसकी माता जो होती है वो जीवन काल में अपने पूरे जीवन काल के अंदर 500 से 1000 अंडे देती है। अंडे जो होते हैं उनसे सुंडी जो होती है या लार्वा जो अवस्था होती है वो 2 से 4 दिन में बाहर निकलती है। लार्वा अवस्था या लार्वा या सुंडी जो होती है वो 2 से 4 दिन में अंडे से बाहर निकलती है। इसके बाद लार्वा जो है इसका रंग हल्का होता है, यह हल्के रंग की होती है। इसकी लंबाई, लंबाई जो होती है वो 2 से 2.5 mm होती है। यह लार्वा अवस्था हानिकारक होती है, यानी कि फसलों को सर्वाधिक जो नुकसान होता है वो लार्वा अवस्था से होता है। सबसे पहले ये लार्वा पौधे के कोमल जो भाग होते हैं कोमल भागों को खाती है, जैसे पत्तियां हैं, कलियां हैं। इसके बाद ये फूलों और फलों को खाती है। इसमें त्वचा निर्मोचन होता है, त्वचा निर्मोचन होता है, विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। इसमें त्वचा जो है ये पुरानी त्वचा को हटाकर उसके ऊपर कौन सी आती है, नई त्वचा आती है। यह प्रक्रिया 5 बार होती है, यानी कि इसमें त्वचा निर्मोचन कितनी बार होता है, 5 बार होता है। पूर्ण विकसित सुंडी जो है वो पूर्ण विकसित सुंडी 35 mm लंबाई की होती है, और पूर्ण विकसित होने में इसको 20 दिन लग जाते हैं। कहने का मतलब 20 दिन के अंदर सुंडी लार्वा अवस्था जो है पूर्ण विकसित हो जाती है, और पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई 35 mm होती है। यह फलियों को नुकसान पहुंचाती है। नुकसान किस प्रकार से पहुंचाती है, फलियों में यह प्रवेश करती है। इसके शरीर का सिर वाला जो भाग है, सिर भाग सिर्फ यही फली के अंदर प्रवेश करता है,
बाकी का जो हिस्सा होता है वो फली से बाहर रहता है, फली से बाहर रहता है। पूर्ण विकसित सुंडी कोष में बदलने से पहले, कोष में चेंज होने से पहले फलियों से बाहर आती है। फलियों से बाहर आकर भूमि में, फलियों से बाहर आकर भूमि के अंदर 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई में जाकर ये चेंज हो जाती है कोष में। कोष अवस्था जो है वो 8 से 15 दिन की होती है, 8 से 15 दिन। उसके बाद ये वयस्क में चेंज हो जाती है, वयस्क में चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट नवंबर जो आएगा, नेक्स्ट नवंबर आने तक ये कोष अवस्था जो है निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है। उसके बाद जैसे ही नवंबर माह आता है तो ये वयस्क के रूप में बाहर आकर वापस चने की जो फसल होती है उसके ऊपर अपना प्रभाव दर्शाती है, प्रकोप दर्शाती है, और लगातार वापस यही प्रक्रिया रिपीट होती रहती है। तो इस प्रकार इसका जीवन चक्र जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।